अस्सलाम वालेकुम। कुवैत की कुछ लेटेस्ट और नई खबरें आई है, जिसमें सबसे पहली खबर है कुवैत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऐलान किया है जिसमें कि कुवैत के अंदर अभी मौसम चेंज होने वाला है, बदलाव होने वाला है। सितंबर 15 तक लगभग बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो कुवैत के अंदर क्या होगा कि एक तरह से मौसम चेंज होगा, तो फ्लू हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, सांस से रिलेटेड कोई भी सांस लेने में तकलीफ होना, निमोनिया हो जाता है जैसे, कोई भी और भी एलर्जी वगैरह होती है, तो जिसको लेकर पहले ही इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। जिसमें कि कुवैत के अंदर देखा जाए तो पूरे कुवैत में लगभग 43 सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही 14 हॉस्पिटल के अंदर भी सर्विस है जिसमें कि लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके बाद अगली खबर, एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया जिसमें 50,000 से ऊपर उल्लंघन दर्ज किए गए पिछले सप्ताह में, जिसमें कि 23 लोग ऐसे पकड़े गए जिनके ऊपर कुछ ना कुछ मुकदमे वगैरह दर्ज थे, ऐसे लोगों को पकड़ा गया। 5 लोग ऐसे पकड़े गए जिनके पास कोई भी आईडी प्रूफ, सिविल आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ वगैरह कुछ नहीं था। 8 लोग ऐसे पकड़े गए जिनके ऊपर फरार मामला दर्ज था, कुवैतियों के घरों से गायब थे। एक आदमी के खिलाफ वारंट जारी था, वो भी पकड़ा गया, बताकर चेक करने पर पकड़ में आ गया। 66 लोगों को पकड़ा गया जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। 25 मोटरसाइकिलें पकड़ी गई, 128 गाड़ियां पकड़ी गई, 65 ड्राइविंग करते पकड़े गए लापरवाही से। कुवैत में जो हॉस्पिटल्स है उनकी जो पार्किंग बना रखी है, पार्किंग के अंदर जो कोई भी लोग कारें खड़ी करते हैं, गाड़ियां खड़ी करते हैं, तो 48 घंटे 48 आवर्स के बाद में गाड़ी नहीं रख सकते, अलाउ नहीं है। ये ऐलान जारी किया गया है नया। कुवैत में हर साल जब मौसम चेंज होता है तब बैक्टीरिया और मौसमी बीमारियां होने के कारण 40 लोग हर साल मौतें होती है, 40 लोगों की कुवैत में। जिन लोगों को वैक्सीनेशन कराना है, एक तो मुबारक हॉस्पिटल में, एक आदान हॉस्पिटल के अंदर, अगर सूरा में जाना चाहते हैं तो शरीफा आल अवधि। इसके साथ ही जो हेल्थ सेंटर बने हुए हैं मंथकों के अंदर बहुत सारे, जैसे कि फिहा के अंदर है, अदलिया में है, किफान में है, रोदा में है, दोहा सेंटर, सुलेबी खात, जाबर अल अहमद,